ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो लगभग दुनिया के सारे ओशन में पाया जाता है। ऑक्टोपस को हिंदी में अष्टबाहु कहा जाता है। ऑक्टोपस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है आठ पैर। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऑक्टोपस से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ऑक्टोपस के पास 6 हाथ और 2 पैर होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा जब भूखे होते हैं तब ये भूख के कारण अपनी ही भुजाओं को खा जाते हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह होती है कि इनकी भुजा कटने के बाद भी दोबारा से आ जाती है। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, ये कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है, जबकि दुनिया का सबसे छोटा ऑक्टोपस वॉल्फी है। हम आपको बता दें कि बड़े बड़े ऑक्टोपस की एक खूबी होती है कि ये शार्क की कुछ प्रजातियों को भी मार सकते हैं, और यहाँ तक कि जो ये ऑक्टोपस होते हैं इन्हें कोरिया में जिंदा ही खाया जाता है। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियाँ बहुत जहरीली होती हैं, इनके एक बार काटने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस जहर के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने इसे समुद्र की गहराई का राक्षस भी कहा है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस दुनिया का सबसे विषैला समुद्री जीव है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस की त्वचा 1 घंटे में 177 बार अपना रंग बदल सकती है। ऑक्टोपस के पास 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 दिमाग होते हैं। शायद आप इस बात पर यकीन ना करें लेकिन यह सच है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, इनमें से 2 दिल का काम ब्लड की सप्लाई करने का होता है जबकि तीसरा ब्लड को बाकी शरीर में सर्कुलेट करता है। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला होता है क्योंकि इसके ब्लड में कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिसकी वजह से ब्लड का कलर नीला होता है, और इसके नीले ब्लड में हीमोसायनिन नामक कॉपर आयरन से भरपूर प्रोटीन पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि इनके 8 पैर में गोल गोल निशान होते हैं जिसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन्हें हम संवेदी कहते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ को स्पर्श कर पहचानने में मदद मिलती है। इन सकर से ही ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़ते हैं और मुंह में ले जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1957 में एक विशाल ऑक्टोपस जो कि दक्षिणी कनाडा में पाया गया था उसका वेट लगभग 271 किलोग्राम के आसपास था और इसकी जो भुजाएं थी वो 5 मीटर लंबी थी। ऑक्टोपस से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि 1960 में ऑक्टोपस रेसलिंग एक बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ करती थी। इस रेसलिंग में एक पहलवान यानी कि रेसलर को पानी में जाकर ऑक्टोपस से लड़ना पड़ता था। अगर वह पहलवान उस ऑक्टोपस को पानी से खींचकर बाहर लाने में कामयाब हो जाता था तो उसकी जीत मानी जाती थी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।